welcome back to Miss Khan Vlog, अर्शी खान. Welcome back to my another episode. So, आज मैं करने वाली हूँ हॉल, यानी कि मैंने कल मेरा आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, कल संडे था और संडे पूरा दिन मैं शॉपिंग करती रही. मतलब शॉपिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले बांद्रा गई, फिर बांद्रा से मलाड गई, फिर मलाड से अंधेरी आई. तो इट वॉज लॉन्ग डे यस्टरडे. तो संडे को मैंने काफ़ी शॉपिंग की. तो गाइज अभी चल रही है सेल, 30%, 40% and 50%, अप टू 50% आपको मिलेगा अगर आप इफ़ यू बाय 3 देन यू विल गेट 50%. मोस्टली सारी ब्रांड्स में ये सब चल रहा है, बाकी 30 और 40 तो हर जगह चल ही रहा है. सो एनीवेज मैंने 3 जगह से शॉपिंग की है. मुझे एक्चुअल में इस बार स्पोर्ट्स वेयर खरीदने थे, मेरे स्पोर्ट्स वेयर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मतलब हालत बिगड़ गई थी उनकी. और मैं बस मेरे को ऐसा होता है ना कि मैं कभी ध्यान नहीं देती हूँ इन सब चीज़ों पे. देना चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग भी मत दो, पर मुझे ऐसा होता है कि मैं पहन लेती हूँ और चली जाती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बनने की कोशिश, बहुत ज़्यादा एक होता है ना शोबाजी करने की कोशिश, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ जिम में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम करने आई हूँ वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे. बट नाउ आई एम मेकिंग वीडियोज फॉर यू गाइज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा शॉपिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये उल्टे सीधे कपड़ों में आई एम नॉट लुकिंग गुड, यू नो. सो एनीवेज मैंने 3 ब्रांड से चीज़ें खरीदी हैं, पहला एडिडास, नाइकी और H&M. तो ये तीनों ब्रांड से मैंने स्पोर्ट्स वेयर खरीदे हैं, तो मैं आप लोगों को इसका हॉल करके बताती हूँ. और सब मैंने 50% 40% डिस्काउंट पे ही लिए हैं. तो ये सेल मेरे ख्याल से 2 या 4 दिन और है, मुझे खुद को भी नहीं पता था. तो जो मैंने शॉपिंग किया है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि यू नो मुझे शूज़ खरीदने चाहिए जिम के लिए, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 2.5 या 3 साल से मैं वही शूज़ घिस रही हूँ अपने. तो काफ़ी अजीब भी लगता था कि नो होता ही है, हर कोई अलग अलग तरीके के शू पहन के आता है जिम के अंदर, और मैं एक अकेली ऐसी हूँ कि नो घिसे जा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग मेरा पूरा फोकस मेरे वर्कआउट पे रहता है. पता नहीं, दैट्स गुड ऑल्सो एंड दैट्स वेरी बैड ऑल्सो, है ना. तो मैंने सबसे पहले शू खरीदे हैं, और गाइज ये मेरी लाइफ के सबसे महंगे जूते हैं. मैंने आज तक इससे महंगा जूता है स्पोर्ट वेयर में अगर मैं वर्कआउट करती हूँ, वेट ट्रेनिंग्स करती हूँ, सारा ट्रेनिंग करती हूँ, तो उसके लिए मैंने, दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट हुआ ना. अभी क्या हो गया कि अभी बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि आपको नहीं रनिंग वाला जूता अलग है, ये वाला अलग है. तो अभी कैसे सब लोग ना थोड़ा सा फैशन शू भी पहनते हैं. मतलब मेरी कुर्सी ना थोड़ी घूमती है, ये धीरे धीरे करके सब यूट्यूब वाला ही घर बनने वाला है मेरा ये. सो एनीवेज गाइस, तो जैसे कि मेरे आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैं नॉनवेज गई थी, वेज नॉनवेज, जो कि सोनम कपूर के हस्बैंड का है, और उनके पास सारी ब्रांड्स होती है, जॉर्डन, नाइकी, एडिडास, पुमा, मतलब सब ब्रांड्स होती हैं, मगर जो आपको एक्चुअल आउटलेट पर नहीं मिलेगा वो आपको वहाँ मिलेगा. तो मैंने सबसे पहले ख़रीदा है ये शू, जो कि मेरी लाइफ का सबसे महंगा जूता है, दिस वन. So I bought this Nike shoe. It's like a sneakers. ये sneakers है बिल्कुल, इसको मैं बाहर भी पहन सकती हूँ और मैं इसको जिम में भी पहन सकती हूँ. और ये shoe की क्या खासियत है कि मुझे इसमें इसका सोल बहुत कंफर्टेबल है, और थोड़ा सा इसमें 1 या 2 इंच अंदर हील भी है, तो यू फील यू नो लाइक यू नो थोड़ा सा पुशअप आपको मिलता है उस चीज़ से, और कंफर्टेबल बहुत है. ऑफकोर्स नाइकी का है, इस नाइकी एयर फोर्स वन. तो ये मैंने नाइकी का शू ख़रीदा है, और इसका प्राइस है गाइस 11,700 और 800 समथिंग बिटवीन दैट ओनली. तो 11,700-800 का ये शू है, जो कि मैंने आज तक नहीं ख़रीदा था. मैं हमेशा पूमा, नाइकी, ये सारे शूज़ पहनती हूँ अपने जिम में, मगर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 7,000 या 8,000 तक का ख़रीदा होगा, इतना महंगा मैंने आज तक नहीं ख़रीदा. फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार चलो यहाँ तक आई हूँ, लेट्स बाय. फिर मैंने अपनी सिस्टर्स से भी डिस्कस किया, मैं थोड़ा डिस्कस करती हूँ कोई भी पैसा खर्च करने से पहले ना, आई डिस्कस अलॉट की नो शुड आई बाय, शुड आई नॉट बाय, व्हाट टू डू. तो दे सेड खरीद ले, तेरे पैर घिस गए करते करते, तू अभी खरीद ले. आप अगर इसके आउटलेट्स आपको दिल्ली में भी मिलते हैं, बाकी और जगह पर भी, इनकी वेबसाइट आप वेज नॉन वेज ऐसे डालेंगे तो आ जाएगा. ऑनलाइन भी मिलता है, इनका सारा कुछ ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा. मुझे भी ऑनलाइन मैंने भी देखा था, पर मुझे ऐसा लगा कि शू का मामला है और एक्सपेंसिव होने ही वाला है, तो मैं क्यों ना अपना साइज देख के लूँ. थोड़ा सा शू के मामले में थोड़ा सा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. तो दिस इज माय फर्स्ट शू विच आई बॉट द फर्स्ट टाइम, इतना एक्सपेंसिव. तो ये मैंने एक शू खरीदा है, इसको मैं जिम में भी पहन सकती हूँ, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में अगर कर रही हूँ तो आई कैन वेयर दिस, और मैं इसको बाहर भी पहन सकती हूँ, क्योंकि इसमें जो ये येलो
और ये पीछे नहीं डार्क पर्पल एंड दिस रेड ऑल्सो, इफ यू कैन सी दिस रेड रेड लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा और आगे से भी पूरा ऐसा रेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी मुझे लगा कि और ये सब चीज़ों पे चल जाएगा. तो आई बॉट दिस वन, दिस इज़ वेरी गुड. तो नाइकी से पहले मैंने एक्चुअली मेरे घर के पास में आउटलेट है एडिडास का, तो मैंने पहले नाइकी से पहले मैंने एडिडास से एक शू खरीद लिया था. नाइकी का मैंने दिखाया आपको है क्योंकि एक्साइटमेंट ज़्यादा था उसको दिखाने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इतना महंगा जूता खरीदा है. सेकेंड मैंने ये एडिडास से लिया है और वहाँ पे भी वहाँ पर 40% सेल था, बट इफ़ यू बाय थ्री, कोई भी तीन चीज़ें आप खरीदते तो वहाँ पर फिर 50% था. तो ये नॉर्मल सिंपल सा मैंने शू लिया है, दिस इज़ फॉर रनिंग एंड ऑल, मतलब ये रनिंग में काम आएगा आपके और वर्कआउट में, अगर इफ़ यू डूइंग हैवी लेग ट्रेनिंग तो भी ये आपके काम आएगा. तो इसमें भी पीछे पुश दिया हुआ है, एयर पुश दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है. सो इसका प्राइस एक्चुअल में 16,000 समथिंग था, मतलब 16,500 और 200 इस जूते का प्राइस, मगर मैंने वहाँ से तीन चीज़ें खरीदी तो मुझे 50% डिस्काउंट मिला, तो 50% डिस्काउंट मिला तो ये 16 कुछ का था, तो मुझे 8,200 समथिंग का ये मुझे पड़ गया. तो दिस इज़ गुड और ये न्यू कलेक्शन ही है, मतलब इसी साल का कलेक्शन है, क्योंकि देखिए कोई भी ब्रांड्स में ना इस साल उस ब्रांड ने क्या निकाला, तो हम लोग तीन साल पहले का सेल में लें तो वो वर्थ नहीं है, उतना नॉलेज होना चाहिए. तो ये मुझे पता था कि ये इसी साल का है. तो आई बॉट दिस, तो मैंने दो जूते खरीदे, मतलब टू पेयर ऑफ शू आई बॉट. और इसके बाद में मैं आपको अब ज़रा कपड़े वपड़े दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े क्या क्या खरीदे. और मैं कल इनऑर्बिट मॉल गई थी, तो वहाँ से मैंने शॉपिंग की, H&M से शॉपिंग की. और गाइस बाथ एंड बॉडी में भी 60% डिस्काउंट चल रहा है, 60%, मतलब जो कैंडल्स हम लोग ढाई ढाई तीन तीन हज़ार रुपये की खरीदते हैं, कल वो मैंने, आप देख सकते हो मैंने ये पीछे जला भी रखी है, इट्स वेरी गुड. मैं इसका भी आपको अभी बताऊंगी कि मैंने ये किस कौन सी ली है और कितने की ये मुझे पड़ी है, 60% डिस्काउंट, मतलब मैं अभी पछता रही हूँ यार, दो तीन ले लेनी चाहिए था, अगर होगा तो मैं कल वल जाके लेके आऊँगी. तो नाउ अभी मैं आपको कपड़े बता देती हूँ. तो एडिडास से जैसे कि मैंने ये शू खरीदे, मैंने तीन चीज़ें खरीदी, मैंने चार खरीदी थी एक्चुअल में बताऊँ, तो आप चार भी खरीदेंगे तो भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा. सो आई बॉट दिस टाई, इट्स रियली कम्फर्टेबल, मतलब ये मुझे पहन के इतना अच्छा लगा, इतना, मतलब एक होता ना हाई वेस्ट ऊपर से पूरा यहाँ तक टाइट, मुझे बहुत पसंद है कि थोड़ा सा हाई वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट करते हैं तो वो आपका ट्रैक ही नीचे जा रहा है, तो क्या मतलब क्या बनता है. और इसका कहिए अंदर से बांधने का भी इन्होंने दिया हुआ है ये, तो मतलब इट्स रियली कम्फर्टेबल. तो ये टाइट कुछ 5,299 का था, तो मुझे ये डिस्काउंट में इसका हाफ पड़ा, मतलब आप लगा लीजिए हाफ कितना होता है, तो ये 5,500 के लगभग था, 5,299, मतलब 5,299, 5,300 ही समझ लीजिए, तो 5,300 का हाफ. स्टाइलिश है, बहुत अच्छा लगता है. और भाई आपकी अगर बॉडी वॉडी हो तो बात ही क्या है. तो बात ही क्या है, बॉडी होना इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. आज मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ या मुझे ऐसे शॉपिंग, मैंने स्पोर्टवेयर बहुत सारे खरीदे, मैं सब दिखाऊंगी आपको, मगर मैं सीरियसली कभी भी ना खरीदूँ अगर मैं, मेरी बॉडी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, मैं उतने एक्सपेंसिव ना खरीदूँ. मैं पहले सस्तों वालों में बॉडी बना लूँ, फिर उसके बाद में मैं एक्सपेंसिव खरीदूँ, और ऐसा करना चाहिए. सो एनीवेज, उसके बाद में मैंने एडिडास से लिया है ये स्पोर्ट ब्रा, इट्स रियली ऑसम. इसका फिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहले मुझे लगा था इसमें ये आगे ऐसा, ये आगे अलग से अटैच ऐसा दे रखा है तो थोड़ा अजीब लगेगा, मगर नहीं, ये पूरा बॉडी पे जाके ऐसा फिट हो जाता है और बहुत अच्छा है. साइज़ स्मॉल मुझको आता है, तो एग्जैक्टली साइज स्मॉल ही मुझे आ गया, और बीच कलर है, किसी भी ट्रैक के साथ में ये आराम से चला जाएगा, तो वेरी नाइस. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इसका प्राइस मुझे पड़ा है ये 5,000 का था गाइस. अब ब्रांड में जाओगे तो मतलब इतना महंगा तो पड़ेगा ही ना, तो 5,000 का था, बट 50% डिस्काउंट, तो ये भी मुझे 2,500 का पड़ा. सेकेंड एडिडास से ही मैंने ये वाली स्पोर्ट ब्रा खरीदी है, दिस इज ब्लैक कलर, और इसमें जो ये अटैच ये दे रखा है ना, ये आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज़, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, और यहाँ से जो है कमर पे से भी, मतलब ऊपर से भी इन्होंने ऐसा ये अटैच दे रखे है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको फिट होता है. ये बात मुझे इस ब्रा की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, स्पोर्ट ब्रा की. सो ये मुझे पड़ी है
एडिडास की है ये भी, दैट वॉज 6,600। तो ये मुझे 50% डिस्काउंट पे मिली है, 6,600 मतलब 3,300 की मुझे ये एडिडास की स्पोर्ट ब्रा मिली है, और इसका भी फिट बहुत अच्छा है गाइज। मैंने सब ट्राई करके लिया था, सब ट्रायल करने के बाद में मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। इतनी महंगी चीज़ें विदाउट ट्रायल प्लीज़ डोंट बाय। सो अभी ये हो गया, अभी मैं आपको एडिडास से मैंने इतना ही खरीदा, शू खरीदे और ये इतना ही मैंने खरीदा, इसमें ही अच्छा खासा बिल हो गया था मेरा। और नाइके से मैंने एक शू ही लिया है। अब आ जाते हैं हम H&M पर। तो H&M से गाइज मैंने क्या क्या खरीदा है मैं वो आपको बताती हूँ। और H&M में भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्स वेयर मिलते हैं। इफ़ यू गाइज रियली डोंट नो तो आप लोग ये बात को समझ लो कि H&M में भी, क्योंकि मैं तो एडिडास से पहले ये कर चुकी थी, बट इट्स फाइन, मैंने थोड़ा ही खरीदा था, उतना खास मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं खरीद लिया था। फिर उसके बाद में जब मैं H&M गई, H&M से मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन मंगाया था, तो जो जो ऑनलाइन है उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, और जो मैंने स्टोर से खरीदा है उसका मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि रिव्यू क्या है और क्या नहीं है। तो उसके हिसाब से यू नो इवन यू कैन बाय H&M स्पोर्ट्स वेयर। तो लेट्स स्टार्ट H&M स्पोर्ट्स वेयर। तो गाइस व्लॉग बनाते बनाते अभी मुझे H&M से ये दो कुरियर और आए हैं, मतलब अभी मैंने इनको ओपन भी नहीं किया है, तो मुझे लगा चलो यार अच्छे टाइम पे मैं हॉल ही कर रही थी तो इनको भी दिखा दूंगी। इनमें भी स्पोर्ट वेयर ही है, पर इसको हम लोग बाद में खोलेंगे, पहले जो मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है मैं पहले वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पोर्ट ब्रा ओनली। सो ये मैंने H&M से खरीदी है, दिस इज फैबुलस, मतलब अमेजिंग स्पोर्ट ब्रा है गाइस। इसमें क्या है, ये स्मॉल साइज मैंने खरीदा है और इसके अंदर कप्स भी दिए हुए हैं, स्लाइट कप है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे थिक कप नहीं है, मगर थिक भी कभी कभी वो आपकी शेप को पूरा ख़राब कर देते हैं, बट दिस इज़ वेरी नाइस। इसमें बहुत ही स्लाइटली कप दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है। बैक इसका बहुत अच्छा है, बैक पे से आपको ऐसे यू नो एडजस्ट कर सकते हैं, आप ऐसे हुक्स दे रखे हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्टेबल यहाँ पे दे रखा है। तो H&M का शॉपिंग मुझे सस्ता पड़ा। ये मोस्टली जो भी मैंने चीज़ें खरीदी है ये सेल में नहीं थी, मैं अगर आपको सही बात बताऊँ तो ये सेल में नहीं थी, इन पर डिस्काउंट नहीं था। तो ये मुझे खाली एक स्पोर्ट ब्रा पड़ी है 1500 4999 की, ये H&M की, और ये भी एडिडास से बिल्कुल कुछ कम नहीं है। इसका फिट मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभी कोई चीज़ होती है ना कि आपकी बॉडी पर ऐसे बैठ जाती है, मतलब यू नो आपको अच्छा फील हो जाता है कि हाँ यार यू नो माय बॉडी इज लुकिंग नाइस, मतलब इसमें मेरी बॉडी बहुत अच्छी दिख रही है, तो ये बिल्कुल वैसा वाला फील दे रही है। इतनी बात करती हूँ ना मैं तो मेरा गला सूखने लगता है। तो ये स्पोर्ट ब्रा मैंने H&M की खरीदी, इसी का मैंने सेम कलर लगे हाथ खरीद लिया है। तो व्हाइट वाला मैंने स्टोर से खरीदा था और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। व्हाइट में ऑनलाइन देख रही थी तो मुझे ऑनलाइन नहीं मिला, मुझे स्टोर पे सेम व्हाइट इसका मिल गया। तो दिस इज़ द सेम थिंग बट द कलर इज़ डिफरेंट, तो सेम चीज़ है। ये भी 1500 की आपको पड़ेगी, नीचे फेंकती जा रही हूँ मैं कपड़े। एंड दिस इज़ तो ऑसम गाइस, ये तो मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसमें अगर आप स्मॉल साइज़ ले रहे हो तो इसमें आप प्लीज़ मीडियम पे जाना, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा उन लोगों ने स्मॉल बनाया हुआ है। इसमें भी आपको कप्स दे रखे हैं, बहुत ही स्लाइट कप जो होते हैं, ऐसे मोटे मोटे कप्स नहीं, और इसमें पीछे से आपको कुछ भी ऐसा पहनने वाला नहीं, आपको इसको ऊपर से पहनना पड़ेगा। उसके इसमें आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए मिलेगा, अदरवाइज इसको आपको पहले ऐसे जैसे टॉप पहनते हैं वैसा पहनना पड़ेगा। द कलर इज़ फैबुलस, और इसके साथ की मैं टाइट्स भी लेके आती हूँ, मगर मैं टाइट्स पे आती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एंड देर इज़ वन मोर वाइट, मतलब ये पूरा टॉप टाइप का ही है, आपको इसके ऊपर टॉप पहनने की भी ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट या जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये भी H&M का है, ये भी 1500 का मुझको पड़ा है। इसमें भी स्लाइट कप दे रखे, अंदर कप है इसके, मतलब स्लाइट है, मतलब बहुत मोटा नहीं है, ताकि आपको देखो ना बहुत मोटा मोटा बहुत ही आपकी शेप ही बिगाड़ देता है, तो वैसा नहीं है। तो मैं बड़ा चूज़ करके ये सब चीज़ें लेती हूँ, और स्पोर्ट वेयर गाइस मैंने जितने भी खरीदे बहुत चूज़ करके लिए है, और आपको सजेस्ट भी कर सकती हूँ कि आप ये ले लीजिए क्योंकि ये वर्थ है। तो ये भी मुझे 1500 का पड़ा है, और ये वाला ब्रा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, दिस इज़ ऑल्सो नो दिस इज़ 1299, ये 1300 का है, 1299 ये 1300 का है। चलिए अब मैं आपको H&M के टाइट्स दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने एडिडास से तो एक ही खरीदा था, इतना महंगा था तो, और मुझे बहुत सारे चाहिए थे, क्योंकि गाइज मैं अभी सोच रही हूँ कि ज़रा अपना इंस्टा पेज ठीक किया जाए, और वो होता है ना कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप करना क्या चाहते हो ये वो। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि फिटनेस ही करना है यार, और करना क्या है, कुछ आता ही नहीं अपने को दूसरा,
दूसरा कुछ आता ही नहीं है ऐसे, या तो बात करना आता है आप लोगों से या फिर फिटनेस आता है। तो मुझे लगा यार मैं अपना पेज एक्चुअल में अच्छा करना चाहती हूँ इंस्टाग्राम पे, अभी मेरे अंदर ये अकल आई है नई नई। तो फॉर दिस रीज़न ऑल्सो आई बॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स और मुझे बस अपना पेज कैसे जैसे तैसे भी अच्छा करना है। तो चलिए अभी मैं आपको टाइट्स दिखाती हूँ, लेगिंग्स जो हम लोग जिम में वेयर करते हैं, H&M से मैंने ली हैं, काफ़ी ली हैं, वो मैं आपको सब दिखाती हूँ। तो अभी टाइट्स की बात करते हैं, अगर ये शॉर्ट्स की मैं बात करूँ तो ये शॉर्ट्स भी मतलब ये टिल नी से थोड़ा सा ऊपर रहता है, उतना भी ज़्यादा सेक्सी वाला नहीं है। मैं उतना पहन भी नहीं पाती हूँ, और मैं सही बात बताऊँ तो मैंने भी ये पहली बार खरीदे हैं ना, कि अभी मेरे को हो रहा है कि चलो ठीक है पहन के देखते हैं जिम में। तो दिस इज़ वेरी नाइस, ये मैंने नाइकी पे भी देखे थे, मैंने उसका फिट अच्छा नहीं था क्योंकि वो कॉटन में था, और इसका फिट अमेजिंग है गाइज, ये हाई वेस्ट है और अमेजिंग फिट है इसका, मतलब आपको पहन के ना आपकी बॉडी का शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है इसको पहन के। और इसका प्राइस भी इतना नहीं था, जैसे नाइकी एडिडास में तो 5,000-5,000 रुपये के थे, आफ्टर डिस्काउंट 3,000 समथिंग का था, मगर ये 1,299 का आपको मिल जाएगा H&M से। हाँ H&M से ये मैंने स्टोर से ख़रीदा है, और अभी मैं वो पैकेट में देखती हूँ, मैं मुझे डाउट है कि मैंने शायद ये सेम चीज़ ऑनलाइन भी मंगा ली, जो मैंने अभी पैकेट्स दिखाए ना उनको भी खोल के देखेंगे अभी कि उनमें क्या आया है। और सेकंड मैंने ये वाला टाइट्स ख़रीदा है, और इसमें ऐसे पीछे आपके बट्स का जो वो एक शेप बनाते हैं ना वो भी दिया हुआ है, तो इट्स लुक वेरी नाइस, क्योंकि आपके बट्स अगर अच्छे से बने हुए हैं वर्कआउट करके तो इसमें प्रॉपर आपको उसे दिखते हैं। जब ये मैंने पहना तो मुझे लगा हाँ यार ये मेरे लिए ही बना है, मुझे ये लेना है, तो ये मैंने लिया H&M से। मगर भीड़ बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ चल रही है ना H&M पे, लाइन लगी हुई थी, बाप रे। बट देयर इज़ वन थिंग कि जो चीज़ मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रही थी मुझे वहाँ पे वो चीज़ मिल गई, तो वो लाइन में खड़ा होना वर्थ था। सो एनीवेज ये भी मैंने ख़रीदा, ये 1500 का आपको मिल जाएगा अगर आप ऐसे शॉर्ट्स टाइट्स पहनते हैं तो जिम के अंदर। मैं खुद फर्स्ट टाइम पहनने वाली हूँ, अभी इंस्टा पे डालूंगी तो तब देखना। ओके सो दिस इज़ माय आल्सो फेवरेट वन, ये पूरा टाइट्स लॉन्ग टाइट मतलब हाई वेस्ट है, और इसमें ये पूरा इलास्टिक वाला ये ऐसा दे रखा है इलास्टिक वाला, तो जो कि आपकी बिल्कुल हाई वेस्ट पे जाकर ऊपर ऐसे ना अटैच हो जाता है, अच्छे से नीचे नहीं आता है, और इसका फिट अमेजिंग है गाइस। इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ज़रूर भेज दूँगी, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है और इसका प्राइस मुझे पड़ा अगेन 1500, 1499, मतलब 1500 का मुझे ये पड़ा। वन मोर टाइट फ्रॉम H&M, ये भी H&M का ही टाइट है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही यू नो एक समथिंग ग्रीनिश ग्रीन, और एक होता है ना समथिंग ग्रीन, हाँ लाइट ग्रीन पिस्ता टाइप कुछ ये कलर है, पर ऐसा वो झटाक वाला नहीं है, और स्मॉल साइज ऑफ कोर्स स्मॉल ऑलवेज फिट्स मी गुड। हाँ तो इसका मुझे प्राइस नहीं दिख रहा है, इसका प्राइस टैग कहाँ गया, इधर है। हाँ ये तो महंगा है थोड़ा। तो गाइज ये मुझे पड़ा 2299 का, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी कि इसमें सेल था कि नहीं था, अगर मुझे लगता है कि 2299 का ही था ये शायद, तो दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मगर इसमें भी सी पूरा बर्ड्स का आपका ये सब बना रखा है, ये एक होता ना एक कट ऐसा बना देते हैं कि ये ना बर्ड्स पे जाके बड़े अच्छे से फिट हो जाता है, और अगेन हाई वेस्ट विद द इलास्टिक बिग इलास्टिक आर एस रियली गुड, यू कैन बाय सीरियसली यू कैन बाय। मैं अगर आपको बता रही हूँ कि कितना कंफर्टेबल है ये इफ़ यू वेयरिंग यू नो ड्यूरिंग योर वर्कआउट और वेट ट्रेनिंग या वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो ये सारी मैंने टाइट्स खरीदे हैं और ये सब मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैंने H&M से थोड़े से टॉप्स भी खरीदे हैं, मतलब यू नो स्पोर्ट ब्रा ये तो हो गया, अभी ऊपर से भी तो कुछ डालना है ना, तो उस तरीके से मैंने मतलब बहुत ही नॉर्मल से बेसिक्स बिल्कुल जो गंजीज होती हैं वो मैंने खरीदे हैं, वो भी मैं आपको दिखा, वो तो मुझे बहुत सस्ती मिली है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस जितने भी मैंने टॉप्स खरीदे हैं H&M से तो वो सब मैंने स्टोर पर जाके खरीदे हैं, क्योंकि मुझे कल मैं स्टोर में चली गई थी, जैसे मैं कल वाले ब्लॉग में उन्हें बता रही थी ना H&M तो इंसान चले ही जाते, जैसे दाल चावल के साथ अचार वैसे हम लोगों के साथ H&M। सो मैंने मीडियम क्यों ले लिया, अच्छा मुझे लगा होगा कि ये मीडियम सही आएगा मुझको, तो होता है ना कोई कोई साइज़ तुमको बहुत छोटा लगता है। नॉर्मल टी शर्ट ड्राई फिट है ये, नॉर्मल ड्राई फिट प्लेन वाइट कलर, जो कि काफ़ी हम लोगों को यूज़ आती है स्पोर्ट्स वेयर में, इसमें आपका जो भी स्वेट होता है वो अच्छे से सोख हो जाता है, इतना स्वेटी नहीं दिखता है, स्वेटी होकर वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है, मेन चीज़ वो है।
तो ये भी मुझे डिस्काउंट में ही मिला है, ये 799 का मुझे मिला है आफ्टर डिस्काउंट, तो ये मुझे 799 का, मगर ये मैंने स्टोर पे से लिया था, इसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, बस स्टोर पे ये हैं। हाँ, और इस टाइप की मैंने ये गंजीज़ खरीदी है, मुझे ऐसा नहीं, ये मुझे बहुत पसंद आती है, मतलब दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल। और ज़रूरी नहीं है कि आप नाइकी, एडिडास, पूमा, रीबॉक और या फिर अंडर आर्मर इन सब के ये महंगे महंगे 5-6 हज़ार रुपये के पहने, मैं तो नहीं पहनूंगी भाई, नहीं मेरे पास उतना पैसा है, सीधी बात है। तो ये मुझे पड़ी है 400 रुपये की, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब आप स्पोर्ट ब्रा और वो सब पहन रहे हो ना जो मैंने आपको दिखाया, उसके ऊपर ही आप आराम से ऐसे पहन सकते हैं और इट्स लुक्स वेरी नाइस। मेरा मैं सोच रही थी कि मैं पहन पहन के भी दिखाऊं, मगर गाइस बहुत हो जाता है, मतलब एक एक चीज़ पहन के दिखानी, फिर उसको शूट करना, फिर ये शूट करना, पर आप लोग समझ ही जाओगे कि क्या है। और इसी के मैंने 3 कलर खरीदे और तीनों मेरे फेवरेट ही कलर थे और तीनों ही हमेशा काम आते हैं। कि मैंने ब्लैक खरीदा इसमें, ये भी 400 रुपये का है, H&M का है ये भी, और एक मैंने ये इसमें वाइट खरीदा है, तो अगेन 399, मतलब लाइक इट्स लाइक 400 ओनली, तो ये मैंने खरीदा है। तो गाइज ये मेरी शॉपिंग थी जो भी मैंने H&M से खरीदी। हाँ, मैंने एक जैकेट भी खरीदा है, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये जैकेट तो मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मैं किसी को भी दिखाऊँ ना अगर, तो मेरे घर में जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन जितने भी, तो वो लोग बोलेंगे तूने खरीदा ही नहीं है, तेरे पास पहले का है। गाइज मैं हमेशा, मेरे पास ये ग्रे कलर का जैकेट हमेशा होता है, ग्रे, वाइट एंड ब्लैक, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कभी कोई कलर का जैकेट खरीद ही नहीं पाती। थोड़ा सा होता ना, फ्लावर्स होते हैं या फ्लोरा प्रिंट होता है, ये सब होता है, मेरे से होता ही नहीं है, मैं नहीं खरीद पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों पे रहती हूँ। अगेन सो आई बॉट दिस जैकेट, ये मुझको शायद डिस्काउंट में मिला है, इट्स 1500 रुपीज़ ओनली, 1500, और कॉटन वो वाला मटेरियल है जो एक होता है मोटा सा, थोड़ा कोजी कोजी होता है, उसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। तो इट्स अ नाइस जैकेट विद हुडी एंड ऑल, तो जब हम लोग जिम करने जाते हैं या वैसे भी, अभी वेदर थोड़ा सा मुंबई का थोड़ा सा है ना रेनी है, तो इट्स नाइस। और H&M से मैंने एक सैंडल भी खरीदे है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर तो मेरा पोपट ही बन गया कि वो सैंडल मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए थे, मैंने ऑनलाइन पहले ऑर्डर किए, जब ऑनलाइन ऑर्डर किए और जैसे मैंने बैग में ऐसे डाल दिया था, मगर मैं ऑर्डर करना उसको भूल गई थी, तो मैंने बाद में जाके देखा तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, फिर मेरा साइज, मतलब फिर मुझे सेम चीज़ ना स्टोर पे दिखी, कल मैंने जब देखी तो मैंने, मुझे लगा वाओ ये मुझे अभी ना डिस्काउंट पे मिल गए हैं, पर उनको ही जब मैं बिल बनाने गई तो उन ब्लैक कलर पे कोई डिस्काउंट नहीं था, अदरवाइज उसके और जो कलर थे तो वो कलर बहुत ज़्यादा नियॉन कलर्स थे जो कि मैं नहीं पहन पाऊँगी, मतलब मुझसे नहीं होगा वो सब। तो फिर जब काउंटर पे एक बार चले जाते हैं, फिर वो होता ना कि चल छोड़ना भी ले ही लेते हैं, यू नो, एंड आई नीडेड ऑल्सो, कि मुझे ज़रूरत भी थी उसकी, तो मैं वो सैंडल दिखाती हूँ आपको। सो अभी मैंने इसका इलास्टिक भी नहीं निकाला, सो आई बॉट दिस सैंडल, ये H&M से मैंने खरीदे हैं, गाइस अमेजिंग है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें क्या लगी है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसका ब्लॉक हील और हाई हील, मतलब दोनों चीज़ को ये कवर करता है, मतलब ब्लॉक भी है तो आप कंफर्टेबल रहेंगे और हाई है तो यू नो यू लुक टॉल ऑल्सो। तो ये और बिल्कुल कुछ कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, और ऐसे कोई स्ट्रैप और मुझे ज़रा नहीं पसंद है, अब तो बिल्कुल नहीं पसंद है, अभी जैसे जैसे पता नहीं, जैसे जैसे और मेच्योरिटी आ रही है ना, तो वो होता है ना वो स्ट्रैप बांधना, ये करना वो करना, मुझे तो लगता है अरे नहीं यार मेरे से नहीं होगा, या मैं तो फ्लैट पहन के ही निकल लेती हूँ, या मैं तो शू पहन के ही निकल लेती हूँ ज़्यादातर। तो आई बॉट दिस फ्रॉम H&M, इस पर आपको सेल मिल जाएगी, दूसरे कलर्स होंगे, इसमें गोल्डन कलर था, वाइट कलर था, सब था, वो सेल पे है, वो कुछ 1400 समथिंग की थी, मगर ये ब्लैक में सेल नहीं लगी थी, मे बी यू नो यूनिक कलर है, सब कुछ ये होता है, तो ये मुझे 300 रुपीस की पड़ी H&M से, नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत रिच लुक दे रही है ये, और कंफर्टेबल बहुत है, आप इसको पहन के ना कहीं पे भी जा सकते हो यार, मतलब एनी वेयर यू कैन गो एंड यू नो स्टैंड ऑल्सो कंफर्टेबली, तो कंफर्टेबल आप ऐसे स्टैंड कर सकते हो उसको पहन के। तो ये था गाइज, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फिर मैं जो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकली तो मुझे ना बाथ एंड बॉडी दिखा, वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा 60% डिस्काउंट, मगर उससे पहले मैं बहुत शॉपिंग कर चुकी थी और मैं बहुत लुट चुकी थी पूरी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है कुछ तो खरीदना पड़ेगा बाथ एंड बॉडी, मुझे नहीं पता है ना वहाँ पर जैसे बाथ एंड बॉडी है या बॉडी शॉप है, ये सारी चीज़ों को देख के ना, या सफोरा, इन सबको देख के ना हर लड़की को ना थोड़ा एक अजीब सा ऐसा अंदर से सेंसेशन होता है, मुझे तो होता है भाई, बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे, और मुझे ज़्यादातर कैंडल्स, यू नो डिफ्यूज़र्स जितने भी होते हैं, होम डिफ्यूज़र्स और ये सब, इनको देख के मुझे
मैं इन सब चीज़ों से ना, मुझे किसी को अगर पटाना हो ना तो मेरे को ना ये चीज़ें दिखा दो, सही बता रही हूँ मैं दो मिनट में मान जाऊँगी तो माफ, मगर गिफ्ट कोई नहीं देता है मुझे खुद ही लेने पड़ते हैं। सो एनीवेज मैंने वहाँ से क्या लिया है, बाथ एंड बॉडी से 60% सेल पे, मैं आपको वो दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये कैंडल लिया है, इट्स लाइक अभी मैंने जला रखा और मेरे पूरे रूम में ना बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। इट्स आइज ड्रैगन फ्रूट टी, मतलब इसका फ्लेवर है आइस ड्रैगन फ्रूट टी। और इसका प्राइस था गाइस 2799, मेल्ट भी हो गया ना तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो इसका प्राइस था 2799 यानी कि 2800 रुपीस का था। अमेजिंग है गाइस, ऐसे मौसम में ना बिल्कुल बहुत ही अच्छी ब्रीजी आपको एक यू नो स्मेल दे रही है ये, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी है ये। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, 3000 रुपये की कैंडल्स लेने से अच्छा अभी प्लीज़ जाके बाथ एंड बॉडी से कैंडल्स ले आओ। तो ये है आइस ड्रैगन फ्रूट टी और इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है, और फ्रेगनेंस बहुत से कैंडल्स ऐसे मैंने देखे बाथ एंड बॉडी में कि आप जब जलाओ तो एक्चुअल में कोई फ्रेगनेंस नहीं आता है, पर इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। और ये मुझे पड़ी ओनली 999 की, मतलब 3000 की चीज़ 1000 रुपये में, तो इसमें बहुत बड़ा सेल था। और दूसरा मैंने स्प्रे लिया है घर का, जो स्मेल अच्छा स्मेल आए उसके लिए, वो भी मैंने बाथ एंड बॉडी से लिया है, वो तो मुझे 300 या 400 रुपये में ही पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला दिस इज सी सॉल्ट, वाइट बोन सी सॉल्ट बाथ एंड बॉडी का है, और इसका एक्चुअल प्राइस था 1299 का था, और इस पर कुछ 60% डिस्काउंट था, तो मेरे को हाफ से भी कम में पड़ा, मतलब 400 समथिंग में ये मुझे पड़ा होगा। एक ही स्प्रे काफ़ी है, मतलब काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग है ये, और अब इसको मैं कल से इसको रात में मैंने इसको डाला, सुबह में भी डाला, रियली लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब काफ़ी देर तक रहेगा इसका फ्रेगनेंस। और बिल्कुल थोड़ा मैंने बोला ना बाहर थोड़ा सा ब्रीजी मौसम है ना, ब्लूमिंग आउटसाइड लॉट, तो इसके लिए ना ये वाला फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा आपके घर के लिए बहुत अच्छा है। यू फील गुड ना, एक होता है ना कि बाहर इतनी बारिश और अंदर इतनी अच्छी खुशबू, तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ही कर देती हैं मुझको। तो ये भी बाथ एंड बॉडी से मैंने लिया, आप जाके इसको खरीद सकते हैं, बाथ एंड बॉडी में बहुत सेल है। बाथ एंड बॉडी का बॉडी वॉश हो गया, स्क्रब हो गया, बॉडी मिस्ट, ये वो मैंने एक्चुअल, मुझे मेरी फैमिली अभी आई हुई थी तो मैंने तब शॉपिंग की थी और तभी सेल नहीं लगी हुई थी, अभी वही चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही है तो ऑफकोर्स मैं नहीं खरीदने वाली थी वो सब चीज़ें। तो बाथ एंड बॉडी का मैंने ये दो चीज़ें खरीदी, वो भी जाते जाते नहीं मुझे दिख गया, काफ़ी भीड़ भी हो रही थी, मुझे लगा यार लेट्स बाय वन कैंडल, एटलीस्ट एक कैंडल तो खरीदनी ही पड़ेगी। तो बस गाइज ये था मेरा सारा वो मेरी लाइफ के, मैंने आपको शू दिखाया कि जो कि मैंने 12000 रुपये के खरीदे, वो भी स्पोर्ट्स शू, मेरी लाइफ के सबसे एक्सपेंसिव शू है। मैं अगर कोई मेरे ब्लॉग को देख के बोलेगी अरे यार कैसी बात कर रही है 12000, इट्स वेरी नॉर्मल आप लोगों के लिए होगा, शायद मेरे लिए ना हो, या स्पोर्ट को मैं उतनी तरजीह नहीं देती हूँ कि यू नो कि मैं अपने जिम में भी इतना हाई फाइनेस दिखाऊँ या ऐसा कुछ करूँ। मैं बहुत ही एक होता ना कि मैं जो काम करने जा रही हूँ मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बजाय इनके कि मैं अच्छे भारी भारी अच्छे महंगे महंगे जूते पहनूँ। हाँ मेरा मन हुआ, पहली बार ऐसा हुआ एंड आई डिजर्व ऑल्सो, तो मुझे लगा कि यार लेट्स बाय वन पेयर शू एटलीस्ट, ठीक है 12000 के हैं नो ठीक है, अभी कुछ और इधर उधर से ना कम बढ़ती करना पड़ता है ये सब करना पड़ता है, ये सब हर किसी की लाइफ में होता है कि थोड़ा सा इधर से घटाओ उधर से बढ़ाओ इधर से ऐसे लाओ फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, इट्स फाइन बट आई एम वेरी हैप्पी, इट्स रियली कम्फर्टेबल। और वेज नॉन वेज पे ही आपको ये वाला मिलेगा, आप एक्चुअली आउटलेट में जाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो एनी वेज गाइज, सो ये था मेरा एडिडास और वेज नॉन वेज और H&M का हॉल। अरे हाँ वो तो रह गया ना जो हम लोगों ने अभी अभी आया और मैं आपको दिखाने पर मैं वो फटाक से उनको भी खोलते हैं, उनको भी देखते हैं कि उसमें क्या आया है, तो इनको भी देख लेते हैं गाइज, ये अभी अभी आया है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चीज़ नहीं सही आती है फिर रिटर्न करना पड़ता है, वो सब भी हो जाता है ना, तो मैं देख लेती हूँ इसमें मेरा वो सेम टाइज ना आया हो, मुझे लग रहा है कि वो सेम ही है। मज़ा आता है ना ऐसे शॉपिंग का, ये पूरा ऐसा बटर पेपर खोलने में फैंसी सी लगती है मुझे। ओके ओके, सो दिस इज ऑल्सो शॉर्ट्स टाइट्स, तो ये पर्पल कलर में मैंने मंगाया था, इन द कलर इज़ वेरी नाइस, पे आप वाइट स्पोर्ट ब्रा और वाइट टॉप पहनो तो इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सो ये मुझे पड़ा है, अभी मैं इसको ट्राई करूँगी, पर आ जाएगा 799 ओनली, और यही चीज़ सेम नाइकी और एडिडास और इन सब में अगर आप जा रहे हो तो 5000 या 2500-3000 से कम की तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर 30-40% सेल लगी है तो। सो दूसरा क्या आया मैं देख लेती हूँ कि वो ब्लैक वाला ना आ जाए, मैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ थी, आई हैव टू चेंज इट।
दिस द सेम थिंग केम ना. हाँ, जो मैंने अभी आपको ब्लैक दिखाया ना, मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिया था वो, तो हाँ 1299. तो ये मैं एक्सचेंज करा लूँगी, इसका कोई दूसरा कलर ले लूँगी या कुछ और, या रिटर्न ही ले लूँगी सीधा, मुझे करने ही क्या है अब. तो ये आई हैव टू रिटर्न, दिस इज़ द सेम थिंग आई टोल्ड यू अबाउट इट. तो ये 1299 का वो है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा वहाँ पे भी कंफ्यूज थी कि मैंने ये एक सेम ही मंगाया है, कि होता है ना ऑनलाइन समझ नहीं आता है उतना, तो इसको साइड में रखते हैं क्योंकि ये मुझे रिटर्न करना है. एंड व्हाट एल्स, दूसरा क्या आया है वो भी देख लेते हैं. तो मुझे लगा ये आए हैं तो इनका भी साथ साथ में रिव्यू आपको दे ही देते हैं ना, कैसा आया क्या. साइज़ का मुझे समझ में आ गया H&M का, कि साइज़ में क्या है और क्या नहीं है. यस, ग्रीन लेगिंग, आई लव दिस कलर. मतलब मुझे ना ये कलर इतना अच्छा लगा था, ये एक्चुअल में स्पोर्ट्स में बनते नहीं हैं, मगर इसमें वाओ, मैं समझ गई. मतलब मेरे ना कपड़े के छूके समझ में आ जाता है, इट्स रियली नाइस गाइस. इसकी मतलब इसकी जो क्वालिटी है ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, नाइकी, पूमा, एडिडास, यहाँ पे कहीं पे भी ये क्वालिटी नहीं है. और नॉट दैट मुझे एक्सपेंसिव ऑल्सो, हाँ इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल. मतलब ये 2299 का है, वहाँ पे आपको ये 3-3.5 ऐसा मिलेगा. पर ये कलर्स, ये एक होता ना थोड़ा सा फैशन कलर्स, और फैशन थोड़ा सा होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है बाकी ब्रांड्स में, एक्चुअल स्पोर्ट्स ब्रांड्स जो हैं. तो दिस इज़ वेरी नाइस, और इसमें भी ये पूरा शेप ऐसे दे रखा है इसका. कलर इज़ वेरी गुड, माई साइज इज़ स्मॉल और इट विल फिट मी, आई नो दैट. मेरे को समझ आता था पहन के. और क्या आया है दूसरा. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो, इसका मैंने एक्चुअल में 3 कलर ले लिए हैं, तीनों कलर मैंने लिए इसके. ये मुझे इतना पसंद आया था H&M का ये वाला, इसके मैंने 3 कलर ले लिए हैं, क्योंकि वाइट हुआ, एक ब्लैक हुआ, और एक ये दिस कलर. दिस यू कैन वेयर विद ब्लैक पैंट और वाइट. मैंने ट्रैक कोई नहीं खरीदा है ना, हाँ, तो ये ब्लैक पैंट पे या ब्लैक लेगिंग्स पे आप ये पहन सकते हो. इट्स लुकिंग वेरी नाइस, द सेम कलर, सेम साइज़, और स्मॉल पैडिंग, यू नो, थिन, नॉट थिक पैड, थिन पैडिंग है इसकी. इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है गाइज, अगेन द साइज इज स्मॉल. तो गाइज ये था मेरा आज का हॉल, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया. यू कैन बाय ऑल द थिंग्स, यू नो, इफ़ यू आर थिंकिंग टू शॉप स्पोर्ट्स वेयर एक्चुअली. तो अगर आपको एक्चुअल में स्पोर्ट वेयर का मन हो रहा है खरीदने का, तो यू कैन गो विद H&M. आँख बंद करके आप उसमें जा सकते हो, आँख बंद करके आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको दिखाई. जितना भी मैंने ऑनलाइन खरीदा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, उसी के थ्रू आपको जाके नॉर्मल भी समझ में आ जाएगा कि बाकी चीज़ें अगर आप स्टोर में हैं, या मैंने जो आपको दिखाई तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ. अगर मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदी, स्टोर पे से खरीदी है, तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी. और अगर आप स्टोर पे जा रहे हैं तो प्लीज़ चले जाओ, अच्छी खासी सेल भी लगी थी, अच्छी खासी मतलब सेल लगी हुई. ये चीज़ें सेल में कुछ नहीं थी, कुछ थी कुछ नहीं थी, मगर अच्छी खासी सेल लगी है H&M पे. सो एनी वेज गाइज, आज का ये हॉल था H&M, एडिडास एंड नाइकी. हाँ, नाइकी, वेज नॉन वेज. तो बस गाइज, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, फिट रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मिस खान ब्लॉग अर्शी खान. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.